चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं और भी क्रिकेट से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला ओडीआई मैच खेला गया और ये मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफ़ी शानदार तरीके से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के 10वें ओवर में ही 50 रन से ज़्यादा का स्कोर बन चुका था, वो भी बिना कोई विकेट खोए। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी क्योंकि उनकी शुरुआत में एक भी विकेट नहीं गिरी थी। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज विकेट गिराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एरोन फिंच और डेविड वार्नर के बीच 150 रनों की जोरदार पार्टनरशिप हो गई और दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने 50-50 रन पूरे करे। लेकिन 28वें ओवर में 156 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया और डेविड वार्नर 69 रन बनाकर आउट हुए और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 156 रन के स्कोर पर गिरा। दूसरी तरफ एरोन फिंच काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के 34वें ओवर में 200 रन पूरे हो गए, वो भी एक विकेट खोकर। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 350 रनों का आंकड़ा आराम से पार कर लेगी क्योंकि अभी भी उनके हाथ में 9 विकेट बाकी थी और एरोन फिंच और स्टीव स्मिथ काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी बीच स्टीव स्मिथ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 रन भी पूरे कर लिए और इसके बाद एरोन फिंच ने भी अपने 100 रन पूरे किए। अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज काफ़ी तेज गति से रन बना रहे थे और इसके बाद स्टीव स्मिथ और एरोन फिंच के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के एक के बाद एक 2 ओवर में 2 विकेट गिर गए, जहां एरोन फिंच ने अच्छी बल्लेबाजी करी और उन्होंने 114 रनों की शानदार पारी खेली और आउट हुए। दूसरी तरफ मार्क स्टोइनिस बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने का स्टीव स्मिथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और स्टीव स्मिथ पहले के जैसे तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच मैक्सवेल भी आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे और ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 43वें ओवर में ही 300 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करी। मैक्सवेल ने मात्र 19 गेंदों पर 45 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और 45वें ओवर में आउट हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का अगला विकेट अगले ही ओवर में लबस चाने का गिर गया, उन्होंने बस 2 रन बनाए। इसके बाद स्टीव स्मिथ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 62 गेंदों में अपने 100 रन पूरे कर लिए और इसके बाद आखिरी ओवर में स्टीव स्मिथ भी 105 रन बनाकर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया टीम ने 50 ओवरों में 374 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 6 विकेट खोकर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स केरी ने 17 रन बनाए नॉट आउट रहकर। वहीं भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा मोहम्मद शमी ने 3 विकेट चटकाए हैं। वहीं नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह ने एक एक विकेट लिया है। अब भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए काफ़ी बड़े लक्ष्य का पीछा करना था और भारतीय टीम की शुरुआत भी काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से हुई थी। भारतीय टीम की शुरुआत के 5 ओवरों में ही 50 रन पूरे हो चुके थे, वो भी बिना कोई विकेट खोए। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंचते 4 विकेट गिर गए, जहां मयंक अग्रवाल ने 22 रन बनाए, विराट कोहली ने 21 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 2 रन बनाए और वहीं केएल राहुल ने 12 रन बनाए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के 4 विकेट गिर चुके थे, वो भी मात्र 101 रन के स्कोर पर। अब भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए एक काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बनानी थी और भारतीय टीम ने ऐसा किया। शेखर धवन और हार्दिक पांड्या के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों पर अपने 50 रन बना डाले। इसके बाद शेखर धवन ने भी अपने 50 रन पूरे किए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम का स्कोर 29वें ओवर में ही 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 35वें ओवर में 229 रन के स्कोर पर शिखर धवन 74 रन बनाकर आउट हो गए
और इसके बाद दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या भी 90 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में ये मैच जीतने के लिए 125 रन बनाने थे और इसके बाद रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी भी 13 रन बनाकर आउट हो गए और इसके बाद भारतीय टीम 50 ओवर में केवल 308 रन ही बना पाई 8 विकेट खोकर। भारतीय टीम की तरफ से नवदीप सैनी 29 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं। वहीं जोस हेजलवुड ने 3 विकेट लिए हैं और मिचेल स्टार्क ने 1 विकेट लिया है। भारतीय टीम पहला ओडीआई मैच 66 रनों से हार चुकी है। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं और भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।